इसमें हमने बेसिकली जो वेप नाम की एक डिवाइस होती है प्लास्टिक की, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनहेल किया जाता है। इसमें ये सारी चीज़ जो इनहेल होती हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत कैंसरस और बहुत ख़राब होती हैं। हमने वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, गूगल के अंदर यूट्यूब जो आता है, उस पर एडवर्टिजमेंट्स हो रही हैं इन सारी इलीगल वेप्स जो बैंड है 2019 एक्ट के अंदर, उनकी प्रमोशन हो रही है, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है और सेलिंग भी हो रही है। तो चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ये सारी जगह बिक रही हैं। कौन सी एग्जैक्टली है, क्या एग्जैक्टली है? इसमें हमने बेसिकली जो वेप नाम की एक डिवाइस होती है प्लास्टिक की, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनहेल किया जाता है। इसमें ये सारी चीज़ जो इनहेल होती हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत कैंसरस और बहुत ख़राब होती हैं। तो इसमें मैंने इसको डाला है और बताया कि ये जो सेलिंग हो रही है इनकी, वो जो 2019 एक्ट जो मैंने पहले ही बोला है, वो उसमें जो मना है वो फिर भी हो रहा है सेलिंग उसकी। तो पर्टिकुलर कौन सा मास इसको यूज कर रहा है, कोई एज ग्रुप है? एज ग्रुप बेसिकली यूथ है जो इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है, और जो नहीं करते उन्हें भी उनका मजाक उड़ाया जाता है कि आप नहीं कर रहे हो, तो पीयर ग्रुप का प्रेशर आ जाता है बेसिकली। तो इसकी वजह से ये लोग कंजम्पशन ज्यादा बढ़ रही है। कोई डाटा है कि कौन सा एज ग्रुप है या कहीं? हाँ, मैंने अपनी पिटिशन में बेसिकली काफी सारे टेबल्स बना रखे हैं, जिसमें मैंने दे रखा है कि इंस्टाग्राम हो गया, चाहे कहाँ फिजिकल स्टोर्स भी हो गए जो इनको बेच रहे हैं, और जो बेसिकली मना ही है वही। तो कोर्ट ने इस पे क्या कहा? कोर्ट ने इसमें नोटिस फाइल कर दिया सारी पार्टीज को और बोला है कि इस पे इमीडिएट स्टे, मैंने स्टे मांगा था तो स्टे ऑर्डर अभी आएगा, अभी नोट ऑर्डर, तो उसके बाद पार्टी बनाया। इसमें मैंने यूनियन को बनाया है, बाकी सारे वेबसाइट्स हो गए जैसे ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सबको बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही? सिर्फ पंजाब हरियाणा, ऑल ओवर यूनियन, यूनियन स्टेट, पंजाब, सबको। कौन सी डेट है नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी आएगी वो। उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला या डायरेक्शन कुछ है कोर्ट की? अभी डायरेक्शंस है बाकी सारी पार्टीज को। हाँ। तो वो अभी उनकी कि आप इस पे एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की पार्टी बनाए और इस पे आगे देखा जाएगा। इसमें हमने बेसिकली जो वेप नाम की एक डिवाइस होती है प्लास्टिक की, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनहेल किया जाता है। इसमें ये सारी चीज जो इनहेल होती हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत कैंसरस और बहुत खराब होती हैं। हमने वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, गूगल के अंदर यूट्यूब जो आता है, उस पर एडवर्टिजमेंट्स हो रही हैं इन सारी इलीगल वेप्स जो बैंड है 2019 एक्ट के अंदर, उनकी प्रमोशन हो रही है, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है और सेलिंग भी हो रही है। तो चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ये सारी जगह बिक रही हैं। कौन सी एग्जैक्टली है, क्या एग्जैक्टली है? इसमें हमने बेसिकली जो वेप नाम की एक डिवाइस होती है प्लास्टिक की, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनहेल किया जाता है। इसमें ये सारी चीज़ जो इनहेल होती हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत कैंसरस और बहुत ख़राब होती हैं। तो इसमें मैंने इसको डाला है और बताया कि ये जो सेलिंग हो रही है इनकी, वो जो 2019 एक्ट जो मैंने पहले ही बोला है, वो उसमें जो मना है वो फिर भी हो रहा है सेलिंग उसकी। तो पर्टिकुलर कौन सा मास इसको यूज कर रहा है, कोई एज ग्रुप है? एज ग्रुप बेसिकली यूथ है जो इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है, और जो नहीं करते उन्हें भी उनका मजाक उड़ाया जाता है कि आप नहीं कर रहे हो, तो पीयर ग्रुप का प्रेशर आ जाता है बेसिकली। तो इसकी वजह से ये लोग कंजम्पशन ज्यादा बढ़ रही है। कोई डाटा है कि कौन सा एज ग्रुप है या कहीं? हाँ, मैंने अपनी पिटिशन में बेसिकली काफी सारे टेबल्स बना रखे हैं, जिसमें मैंने दे रखा है कि इंस्टाग्राम हो गया, चाहे कहाँ फिजिकल स्टोर्स भी हो गए जो इनको बेच रहे हैं और जो बेसिकली मना ही है वही। तो कोर्ट ने इस पे क्या कहा? कोर्ट ने इसमें नोटिस फाइल कर दिया सारी पार्टीज को और बोला है कि इस पे इमीडिएट स्टे, मैंने स्टे मांगा था तो स्टे ऑर्डर अभी आएगा, अभी नोट ऑर्डर, तो उसके बाद पार्टी बनाया। इसमें मैंने यूनियन को बनाया है, बाकी सारे वेबसाइट्स हो गए जैसे ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सबको बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही? सिर्फ पंजाब हरियाणा, ऑल ओवर यूनियन, यूनियन स्टेट, पंजाब, सबको। कौन सी डेट है नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी आएगी वो। उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला या डायरेक्शन कुछ है कोर्ट की? अभी डायरेक्शंस है बाकी सारी पार्टीज को। हाँ। तो वो अभी उनकी कि आप इस पे एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की पार्टी बनाएं और इस पे आगे देखा जाएगा।